तो आज मैं इस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को चेंज करने वाला हूँ पूरे के पूरे जावा एडिशन में, वो भी मोड्स का यूज करके, क्योंकि जावा एडिशन तो सबको खेलना है। लेकिन मेरे पास कोई पीसी या लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो ये सिर्फ सस्ता सा फोन है। तो भाई तू अपने फोन में पोजाव लॉन्चर डाउनलोड कर लेना, उसमें तो इजिली जावा एडिशन खेल सकते है अपने फोन पे। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अरे इन लोगों को छोड़ो, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस भद्दे से यूआई को चेंज करने से। तो इस यूआई को चेंज करने के लिए हम लोग इस वाले मोड का यूज करेंगे, एंड इस वाले मोड को लगाते ही तुम लोगों का पूरा यूआई जावा जैसा हो जाएगा। एंड इस प्ले गेम वाले बटन के ऊपर टैप करते ही तुम लोगों का सारा वर्ल्ड आ जाएगा, एंड ऊपर इस वाले बटन के ऊपर टैप करते ही तुम लोगों का सारा सर्वर आ जाएगा, एंड इधर फ्यूचर्ड सर्वर के ऊपर टैप करते ही तुम लोगों का माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल सारा सर्वर आ जाएगा। एंड इतना ही नहीं, तुम लोगों का पूरा लोडिंग स्क्रीन भी जावा जैसा हो जाएगा, और फिर वर्ल्ड में आ जाने के बाद तुम लोगों का चैट से लेकर इन्वेंटरी तक पूरा जावा जैसा चेंज हो जाएगा सिर्फ इस एक मोड से। नाउ हम लोगों ने यूआई तो पूरा चेंज कर लिया, लेकिन हम लोगों का गेम वही फीका फीका सा है, और मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करके रखा है, लेकिन ये रियल में कुछ ऐसा दिखता है। तो इसी को फिक्स करने के लिए हम लोग इस वाले एड ऑन का यूज करेंगे, एंड इस वाले एड ऑन को लगाते ही तुम लोगों का थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगा वर्ल्ड, तुम लोगों को ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। ये दोनों क्लिप को देखो, इसमें हल्का सा एकदम डिफरेंस दिख रहा होगा तुम लोगों को। और इस वाले एड ऑन को मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि जावा में थोड़ा सा कलर सैचुरेटेड रहता है और पॉकेट में थोड़ा सा फीका फीका, इसी के लिए मैंने इसको लगाया ताकि पूरा माइनक्राफ्ट हम लोगों को जावा जैसा दिखे। नाउ अब बारी आती है हम लोग इस बड़े बड़े बटन को रिमूव करने का। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग इस वाले एड ऑन का यूज करेंगे, एंड इसको लगाते ही तुम लोगों का सारा बटन गायब हो जाएगा। एंड अब फील आ रहा है कि हम लोग जावा एडिशन खेल रहे हैं, और इधर तुम लोगों का सेटिंग का बटन, चैट का बटन एंड इमोट का बटन भी रिमूव हो जाएगा। देखो जो भी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हैं या फिर फोन में कीबोर्ड और माउस लगाकर खेलते हैं, वो तो अपना कैमरा एंगल एक ही बटन में चेंज कर लेते हैं, लेकिन टच वालों का क्या है? तो इसी के लिए टच वालों का समस्या को दूर करने के लिए हम लोग लगाने वाले हैं इस वाले मोड को। एंड इस वाले मोड को लगा लेने के बाद तुम लोगों को आ जाना है वर्ल्ड में, एंड सेटिंग वाले बटन के ऊपर टैप करके इधर ऑप्शन वाले बटन के ऊपर टैप करना है, जिससे तुम लोगों को ऊपर में दो बटन आ जाएगा, जिससे फर्स्ट वाले बटन से तुम लोग अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, एंड सेकंड वाले बटन से तुम लोग इधर से अपना गेम मोड चेंज कर सकते हो, या फिर इधर से अपना FOV वगैरह बढ़ा सकते हो, एंड इधर से अपना FOV कम भी कर सकते हो। इसी के लिए हम लोग कम कर लेते हैं क्योंकि बढ़ा हुआ हमें काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। चलो हम लोगों ने ढेर सारा मोड्स लगा लिया, फटाफट से एक लकड़ी काट लेते हैं, एंड लकड़ी काटने का एडवांसमेंट नहीं आया भाई। अब पीछे से क्यों मार रहा है भाई तू, आजा लड़ ले। तो देखो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में अगर तुम लोग कोई भी चीज को फर्स्ट बार करोगे तभी तुम लोगों को उसका एडवांसमेंट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जावा एडिशन में ऐसा नहीं होता है, फिर हर एक वर्ल्ड में तुम लोगों को एडवांसमेंट मिलेगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग लगाने वाले इस वाले एड ऑन को। तो इस वाले एड ऑन को लगाते ही तुम लोग अगर किसी भी न्यू वर्ल्ड में आते हो और तुम लोग कोई भी चीज को अगर फर्स्ट बार करते हो तो तुम लोगों को इधर से एडवांसमेंट मिल जाएगा। तो फटाफट से हम लोग अपना परंपरा भी पूरा कर ही लेते हैं, वुड काट लिया है। तो आई नो तुम लोगों को भी ये बोरिंग सा अटैक एनिमेशन अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसको पूरा जावा के जैसा करने के लिए हम लोग लगाने वाले इस वाले मोड को। एंड इस वाले मोड को लगाने के बाद तुम लोगों का पूरा अटैक एनिमेशन जावा जैसा हो जाएगा, एंड एक्स में तुम लोगों का ऐसा रिलोड वाला भी दिखेगा, एंड इसका अटैक डैमेज भी तुम लोगों को स्वॉर्ड से ज्यादा मिलेगा एक्स का। एंड अगर तुम लोग क्रिट मारते हो तो कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट आएगा। तो हम लोग इस पॉकेट एडिशन का सब कुछ पूरा जावा जैसा बना रहे हैं, तो इस वॉकिंग एनिमेशन को कैसे भूल सकते हैं। तो उसको लाने के लिए हम लोग इस वाले मोड का यूज करेंगे, एंड इस वाले मोड को लगाते ही तुम लोगों का पूरा एनिमेशन जावा जैसा हो जाएगा, चलने का, बैठने का एंड शील्ड खोलने का भी एनिमेशन पूरा जावा जैसा हो जाएगा। एंड अगर तुम लोग इसमें डैमेज लेते हो तो तुम लोगों का न्यू पार्टिकल टाइप दिखेगा, जो कोई देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। मैं इस विलेज को बहुत देर से देख रहा हूँ, तो चलते हैं इस विलेज में। एंड इस विलेज में आते ही मुझे ये दिखता है,
और मुझे याद आता है कि जावा में तो ऐसे गिलास नहीं होते, कनेक्टेड गिलास होते हैं। तो इस वाले गिलास को कनेक्टेड गिलास बनाने के लिए हम लोग इस वाले टेक्सचर पैक का यूज करेंगे। एंड इस वाले टेक्सचर पैक में तुम लोगों को तीन टाइप के गिलास मिल जाएगा, तो मैं इस लास्ट वाले को यूज कर रहा हूँ। एंड इसको लगाते ही तुम लोगों को देख सकते हो पूरा कनेक्टेड गिलास हो चुका है जावा जैसा, जो कि देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लगता है अगर तुम लोग कोई बिल्ड वगैरह बना रहे हो तो। और मैं विलेज से वापस आ रहा था और विलेज से वापस आते आते ही शाम हो गया, और तभी मुझे याद आता है कि जावा एडिशन में तो डायनेमिक लाइट होता है, तो मैंने भी इस वाले मोड को लगा के डायनेमिक लाइट बना लिया। और तुम लोग इसको लेफ्ट हैंड में भी पकड़ सकते हो, एंड तुम लोग जहाँ जहाँ चलोगे तुम लोगों का ऐसा लाइट आएगा। एंड अगर तुम लोग इस टॉर्च को फेंक भी देते हो, जैसे कि मैं इधर फेंक देता हूँ उस टॉर्च को, तो देखो तुम लोगों का लाइट आ जाएगा। और मेरे पास कोई लाइट सोर्स नहीं है, फिर भी वहाँ पे लाइट जल रहा है। तो चलो, मैंने इस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में मेन जावा का फीचर तो डाल दिया है, अब पूरा रियल जावा का फील लाने के लिए मैं इस शेडर पैक का यूज करने वाला हूँ। एंड इसको लगाते ही तुम लोगों का जावा एडिशन रेडी है। अब तुम लोग देख सकते हो हम लोगों का पॉकेट एडिशन क्या ही तगड़ा लग रहा है, पूरा एकदम जावा जैसा लग रहा है। और मेरा 3GB रैम का फोन है, फिर भी हल्का सा भी लैग नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा मना लैग है, मगर उतना भी लैग नहीं कर रहा है कि हम लोग खेल नहीं सकते हैं। और तुम लोगों को सारे मोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।